तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे टॉप 5 टॉर्च लाइट जो लगभग 500 रुपए के अंदर आपको आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहली टॉर्च है हमारी सिस्का कंपनी की और इसका मॉडल नंबर है T112UL। अगर हम इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, प्लास्टिक की पूरी टॉर्च है, बिल्ड क्वालिटी के मामले में बहुत ही सही है। जिस हिसाब के इसका प्राइस है लगभग 236 रुपए के आसपास में इसका प्राइस है, उस हिसाब की इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको इसमें 1200 एमएएच की बैटरी मिल जाएगी जिसका बैकअप बहुत ही अच्छा है। और रोशनी की बात करें तो रोशनी के मामले में भी बहुत ही अच्छी है, एकदम ब्राइट रोशनी ये करती है। बहुत ही सही टॉर्च है, वैल्यू फॉर मनी है, आप इसको ले सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी के मामले में अच्छी, रोशनी के मामले में अच्छी, बैटरी के बैकअप के मामले में भी अच्छी है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी सी टॉर्च है, आप इसको ले सकते हैं। अगर आप कोई सस्ती सी टॉर्च ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए अटैच बनी हुई है, आप इसको ले सकते हैं। अगर हम इसके चार्जिंग की बात करें, चार्ज कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए चार्जिंग के लिए पतली पिन का देखिए पोर्ट दिया गया, आप इससे चार्ज कर सकते हैं। और डरिए मत, यहाँ पर नए ज़माने का अपना वाला एक माइक्रो यूएसबी का पोर्ट दिया गया है, आप इसकी मदद से भी चार्ज कर सकते हैं। और दूसरी टॉर्च है हैवेल्स कंपनी की और इसका पूरा नाम है हैवेल्स पाथफाइंडर 30। अगर हम इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में बहुत ही अच्छी टॉर्च है। इसकी प्लास्टिक जो है बहुत ही बढ़िया है, एकदम अच्छे क्वालिटी की है। अगर एक गिर उड़ जाती है तो आसानी से टूटने वाली नहीं है। और बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी आपको इसमें 900 एमएएच की मिल जाएगी और इसका बैकअप भी बहुत ही अच्छा है। और रोशनी के बारे में बात करते हैं तो रोशनी इसकी बहुत ही सही है, लेकिन ऐसी रोशनी नहीं कि एकदम पूरा एकदम सूरज बना दे, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट नहीं है, लेकिन आपका काम चल जाएगा, ठीक ठाक इसकी रोशनी आपको देखने को मिल जाएगी। और चार्जिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, बस ऐसे दबा के सामने से निकाल लीजिए, यहाँ पर एक प्लग निकल आएगा, आप इसको कहीं सॉकेट में लगा सकते हैं और साथ ही साथ आपको इसमें चार्जिंग का इंडिकेटर भी मिल जाएगा। बहुत ही सही टॉर्च है, बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये बहुत ही अच्छी टॉर्च है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगली टॉर्च है हमारी JY सुपर कंपनी की और इसका मॉडल नंबर है JY8990 या 8990। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके की आपको टॉर्च मिल जाएगी। और अगर ये देखें बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो इतना हिस्सा आपको इसमें एल्युमिनियम का मिलेगा और ऊपर का हिस्सा आपको प्लास्टिक का मिल जाएगा। इसकी प्राइस लगभग 350 रुपये के आसपास में है। और बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी आपको इसमें ये वाली मिल जाएगी, रिचार्जेबल बैटरी आपको इसमें मिलेगी, जल्दी से निकल जाए ये वाली आपको इसमें बैटरी मिल जाएगी जो रिचार्जेबल होती है, आप इसमें ऐसे लगा सकते हैं। बैटरी के बैकअप के मामले में बहुत ही सही है, लॉन्ग डिस्टेंस की टॉर्च है और ब्राइटनेस भी इसकी बहुत ही सही है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि बहुत ही सही टॉर्च है बिल्ड क्वालिटी के मामले में और साथ ही साथ इसकी रोशनी भी काफ़ी सही है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और इसको चार्जिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर एक पोर्ट दिया गया है मोटी पिन का और साथ ही साथ ये लोग आपको एक चार्जर भी देंगे मोटी पिन वाला, आप इसकी मदद से इसको चार्ज कर सकते हैं। अगली टॉर्च है हमारी विप्रो कंपनी की और इसका पूरा नाम है विप्रो लस्टर। यह लगभग 299 रुपये के आसपास में आपको इतने टाइम अमेजन पे मिल जाएगी। इसका दाम अभी बढ़ने वाला है मुझे लग रहा है, क्योंकि जब मैंने इसको खरीदा था तो लगभग 399 रुपये के आसपास में यह टॉर्च मुझे मिली थी। इस टाइम इसका दाम 299 रुपये हो चुका है, मतलब बहुत ही सही दाम इसका इतने टाइम चल रहा है। अगर हम इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही सही टॉर्च है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, थोड़ी सी हल्की टॉर्च है लेकिन बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और इसका लुक भी बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, रेड और ब्लैक में बहुत ही सही लग रही है। और बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी आपको 1200 एमएएच की इसमें आपको बैटरी मिल जाएगी, बैकअप के मामले में बहुत ही सही है और साथ ही साथ इस ब्राइटनेस के मामले में भी काफ़ी सही है। इस टाइम 299 रुपये के हिसाब से बहुत ही अच्छी टॉर्च है, आप इसको ले सकते हैं। आखिरी टॉर्च है, ये है एवर रेडी कंपनी की टॉर्च और इसका मॉडल नंबर है DL99। यह मुझे लगभग 314 रुपये के आसपास में फ्लिपकार्ट से मिल गई थी और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। बैटरी की बात करें तो बैटरी के इन्होंने कोई भी नहीं दिया, मतलब कोई जानकारी नहीं दी कितने एमएएच की इसमें बैटरी लगी हुई है, क्योंकि जब खरीदते हैं तो डब्बे पे भी लिखा होता है लेकिन इस पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ था, न फ्लिपकार्ट लिखा था न यहाँ पर लिखा इस पर डब्बे वब्बे पे। लेकिन बैटरी के बैकअप के मामले में बहुत ही सही टॉर्च है।
और रोशनी के बारे में बताएं तो रोशनी जो इसकी बहुत ही सही है, नज़दीक की रोशनी बहुत ही सही नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस में इसकी रोशनी बहुत ही सही आपको मिलने वाली, बहुत दूर तक यह रोशनी को कवर करती है, मतलब पतली सी जाती है लेकिन बहुत दूर तक इसकी रोशनी जाती है। 314 रुपये के अंदर एक लॉन्ग डिस्टेंस की यह टॉर्च बहुत ही सही है, आप इसको ले सकते हैं, बिल्ड क्वालिटी के मामले में सही है और साथ ही साथ इसकी डिस्टेंस जो है काफ़ी दूर तक जाती है। बस दोस्तों आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और दोस्तों अगर आप इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं डिटेल में तो आप हमारे चैनल पर जाकर इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं। बस दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।